हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे छत्तीसगढ़ के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए व्यापम की बहुत सारी भर्ती होने वाली है, बहुत सारी वैकेंसी अभी आने वाली है उस सब एग्ज़ाम के लिए, और आपकी जो PSC है उसके एग्ज़ाम के लिए। यहाँ पे हम इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स करेंगे, जो आपके 2022 के सारे जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन छत्तीसगढ़ के जो कि चर्चा में रहे थे, और जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो पाएगा यहाँ से हम कवर करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट होगा। तो चलिए आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर पहली बार मेरे चैनल में आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँच पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैनल। तो राज्य स्तरीय जो बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कब से कब यहाँ पे होना है, तो 1 से 3 दिसंबर 2022 को इसका जो आयोजन किया गया था, याद रखिए यहाँ राज्य स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन था, जो कि 1 से 3 दिसंबर को जो कि इसका हुआ था आयोजन, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के किस पर्वतारोही को राष्ट्रपति श्रीमती जो हमारे नए जो द्रौपदी मुर्मू जी ने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने आपके तेजनिंग नोर्गे राष्ट्रीय पुरस्कार के तहत लैंड एडवेंचर पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। तो किसे सम्मानित किया गया है, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ की पर्वतारोही है, जिनको राष्ट्रीय श्रीमती राष्ट्रपति जो हमारे द्रौपदी मुर्मू जी ने, जो कि हमारे 15वें क्रम के राष्ट्रपति हैं, तो उनके द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से तहत इनको लैंड एडवेंचर पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। तो श्री राहुल गुप्ता जी को, श्री चित्रसेन साहू को, सुश्री सेना आपके नैना सिंह धाकड़ को, या डी है उपरोक्त में से कोई। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा सी ऑप्शन, याद रखिए सुश्री नैना सिंह धाकड़ जी को। तो छत्तीसगढ़ के पर्वतारोही, याद रखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। छत्तीसगढ़ के सुश्री नैना सिंह धाकड़ कौन से किससे संबंधित है पूछा जाएगा, तो पर्वतारोही याद रखिएगा। तो उनको श्रीमती जो हमारे द्रौपदी मुर्मू जी जो कि हमारे राष्ट्रपति हैं, तो इनको अभी तेजनिंग नोर्गे राष्ट्रीय पुरस्कार के तहत लैंड एडवेंचर पुरस्कार से इनको सम्मानित किया है सुश्री नैना सिंह धाकड़ जी को। तो याद रखिए इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देश की सबसे बड़ी भगवान चंद्र प्रभा की पद्मासन प्रतिमा कहाँ स्थित है, तो रायपुर में, बिलासपुर में, आपके नासिया दुर्ग में, या आपके डी है जांजगीर चांपा में। तो देश की सबसे बड़ी भगवान चंद्र प्रभा के जो पद्मासन प्रतिमा कहाँ स्थित है, तो आपके नासिया दुर्ग जिले में स्थित है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो जैन धर्म से संबंधित है आपका जो आपका ये, तो भगवान चंद्र की जो पद्मासन प्रतिमा जो कि देश की सबसे बड़ी यहाँ पे पद्मासन है, जो कि यहाँ आपके जैन धर्म से संबंधित है, लगभग 21 फीट 11 इंच की इनकी प्रतिमा बनी हुई है भगवान चंद्र प्रभा जी की। याद रखिए यह आपके शिवनाथ नदी के तट पर बसा हुआ है। तो यहाँ से जितना भी फैक्ट होगा यहाँ से हम क्लियर करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बेस्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में खेलो इंडिया सेंटर के कुल कितने केंद्र यहाँ पे स्थापित किया गया है, तो 2, 4, 5, 7, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो लगभग यहाँ पे छत्तीसगढ़ में खेलो इंडिया सेंटर के कुल लगभग 7 केंद्र यहाँ पे खोले गए हैं, तो इसका डी ऑप्शन याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में खेलो इंडिया सेंटर के कुल लगभग 7 केंद्र यहाँ पे स्थापित किया गया है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ उप स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर NQAS जिसे सर्टिफिकेशन हासिल करने वाला देश का कौन से क्रम का राज्य बना है, तो 3रा, 4था, 5वां या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो छत्तीसगढ़ उप स्वास्थ्य केंद्र पर NQAS जो सर्टिफिकेशन हासिल करना हो देश का, यहाँ पे 4था क्रम का राज्य बना है हमारा उप स्वास्थ्य केंद्र, हमारा छत्तीसगढ़ का 4था क्रम का हासिल करने वाला देश का 4था क्रम का राज्य बना है, याद रखिए। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वजन त्यौहार 2022 के जारी आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में पिछले एक वर्ष में कुपोषण की दर में कितने प्रतिशत की कमी देखी गई है, कितने प्रतिशत का कमी जो कि 2022 के आंकड़ों के अनुसार पता चला है, तो 1.1, 2.1, 3.1 या डी है 4.1। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन 2.1, याद रखिए। तो वजन त्यौहार जो आपके आंगनबाड़ी वगैरह में जो कि बच्चों को यहाँ पे वजन यहाँ पे चेक किया जाता है, तो वजन त्यौहार 2022 के जारी आंकड़ों के अनुसार हमारे छत्तीसगढ़ में पिछले एक वर्ष में कुपोषण की दर में लगभग 2.1 की यहाँ पे गिरावट आई है, मतलब इतना प्रतिशत यहाँ पे कमी देखी गई है। तो इसका बी ऑप्शन याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य एवं पोषण की डेल्टा रैंकिंग में किस आकांक्षी जिला को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, तो आपके कांकेर जिला को, नारायणपुर जिला को, सी है सुकमा जिला, या डी है आपके बीजापुर।
तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सुकमा जिला, याद रखिएगा। तीन नीति आयोग द्वारा जो आपके जारी स्वास्थ्य एवं पोषण की डेल्टा रैंकिंग में लगभग आकांक्षी जिला को, कौन से जिला को यहाँ पे आकांक्षी जिला में प्रथम स्थान हुआ है, तो आप में सुकमा जो जिला है इसको नीति आयोग द्वारा यहाँ पे जारी स्वास्थ्य एवं पोषण की यहाँ पे डेल्टा रैंकिंग में इसको सुकमा जिले को, आपके आकांक्षी जिला को यहाँ पे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो याद रखिए सुकमा जिला आपका जो कि स्थान जो कि प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है आपके स्वास्थ्य और पोषण की देखभाल डेल्टा रैंकिंग में, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। G20 के चौथे वित्त कार्य समूह की बैठक सितंबर 2023 में कहाँ इसका आयोजित किया जाएगा, तो राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो G20 के चौथे वित्त कार्य समूह की जो बैठक है सितंबर 2023 में कहाँ आयोजन किया जाएगा, तो हमारे छत्तीसगढ़ में G20 जो शिखर सम्मेलन है इसके जो चौथे वित्त कार्य है इसकी समूह की जो बैठक है सितंबर 2023 में हमारे छत्तीसगढ़ में इसका आयोजन किया जाएगा, तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोबल आपके अचीवर्स डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अवार्ड 2022 से छत्तीसगढ़ के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है, तो आपके श्री मनीष परिहार को, श्रीमती मीरा शुक्ला को, सी आपके सी है आपके श्री दौलत राम कश्यप को, या डी है श्री आपके गौकरण साहू को, तो इसका सही ऑप्शन होगा श्री दौलत राम कश्यप, इनको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अवार्ड 2022 से छत्तीसगढ़ के इनको सम्मानित किया है, ग्लोबल आपके अचीवर्स से इनको सम्मानित किया है आपके श्री दौलत राम कश्यप को, याद रखिएगा इनको ग्लोबल अचीवर्स डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अवार्ड से इनको सम्मानित किया, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ के जो कि व्यक्ति हैं, तो इसका सी ऑप्शन याद रखिए, नाम को याद रखिएगा, दौलत राम कश्यप जी को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भानु प्रताप विधानसभा उपचुनाव 2022 में आपके विजयी प्रत्याशी कौन थे, तो आपके श्री अकबर राम कोराम जो निर्दलीय थे, या श्री ब्रह्मानंद नेताम जो कि भाजपा थे, या आपका श्रीमती सावित्री मंडावे जो कि कांग्रेस पार्टी से संबंधित है, या आपके डी है श्री घनश्याम जुर्री जो कि गोंगपा थे, तो इसका सही ऑप्शन हो जैसे ऑप्शन श्रीमती सावित्री मंडावी जो कि कांग्रेस पार्टी से संबंधित हैं, तो भानु प्रताप विधानसभा उपचुनाव में 2022 में श्रीमती सावित्री मंडावी जो कि कांग्रेस पार्टी से संबंधित है इन्होंने विजय प्रत्याशी रहे थे, तो इसका सही ऑप्शन याद रखिए, भानु प्रताप विधानसभा उपचुनाव जीती थी श्रीमती सावित्री मंडावी जी जो कि कांग्रेस पार्टी से संबंधित है, तो याद रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सटेंडेड प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के लागू करने में छत्तीसगढ़ ने देश में कौन से स्थान हासिल किया है, या कौन से पोजीशन हासिल यहाँ पे हासिल किया है, तो आपके पहला, दूसरा, तीसरा या डी है चौथा, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा दूसरा, याद रखिएगा। तो एक्सटेंडेड प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान में, तो मातृत्व अभियान में लागू करने में छत्तीसगढ़ ने यहाँ पे दूसरा हासिल स्थान प्राप्त किया था, तो इसका बी ऑप्शन याद रखिए। तो यहाँ प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान में लागू करने में छत्तीसगढ़ ने सेकंड पोजीशन हासिल किया था, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 दिसंबर 2022 को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ गौरव दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया गया है, तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ सरकार के चार वर्ष पूरे के उपलक्ष्य में, 4 साल कंप्लीट होने के जो हमारे राज्य सरकार हैं भूपेश बघेल जी द्वारा, तो छत्तीसगढ़ में लगभग 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 17 दिसंबर 2022 को छत्तीसगढ़ में पूरा सरकार द्वारा यहाँ पे छत्तीसगढ़ गौरव दिवस के उपलक्ष्य में इनको मनाया गया था, 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में, तो इसका सी ऑप्शन याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत और नगर पालिका उप निर्वाचन के तहत मतदान कब किया जाएगा, तो 9 जनवरी 2023 को, बी है 12 जनवरी 2023 को, या सी है 15 जनवरी 2023 को, या डी है उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन 9 जनवरी 2023। याद रखिए डाटा को याद करते चलिए, बार बार वीडियो को रिवाइज करिए तो आपसे डाटा याद होगा, या तो कंफ्यूज हो जाएंगे एग्जाम के टाइम, इसलिए डाटा को याद करते चलिए। तो छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत और नगर पालिका उप निर्वाचन के तहत लगभग मतदान किया जाएगा 9 जनवरी 2023 को, याद रखिएगा। नगर आपके त्रिस्तरीय पंचायत और नगर पालिका जो उप निर्वाचन के तहत लगभग 9 जनवरी 2023 को इसका मतदान किया जाएगा, तो इसका ए ऑप्शन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सटेंडेड प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान लागू करने में
छत्तीसगढ़ कौन से स्थान हासिल किया था, तो मैंने इसको डिस्कस किया था, तो हमारा छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान हासिल किए थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने ओपन एयर म्यूजियम का शुभारंभ कहाँ किया गया है, तो गिरौदपुरी में, दामाखेड़ में, सोनाखान में या आपके चंपारण में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सोनाखान। याद रखिए सोनाखान कहाँ आता है, तो आपके बलौदा बाजार क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो आपके बलौदा बाजार जिले के अंतर्गत। याद रखिए आपके गिरौदपुर भी आपके बलौदा बाजार के अंतर्गत आता है। तो हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने ओपन एयर जो म्यूजियम का शुभारंभ सोनाखान में, जो कि इसका उद्घाटन किए गए हैं, तो याद रखिए यह ओपन म्यूजियम है जो कि सोनाखान में इसका उद्घाटन किए गए हैं, इसका शुभारंभ भी किया गया है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी, आपकी जो पुस्तक है बैक फ्रॉम द ब्रिंक किसके संरक्षण पर आधारित है, तो राजकीय वृक्ष साल वृक्ष के लिए, या राजकीय पहाड़ी जो हमारी पहाड़ी मैन है उसके लिए, या आपके राजकीय पशु वन भैंसा के लिए, या डी है इनमें से कोई नहीं थी। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, राजकीय पशु जो हमारी वन भैंसा के लिए, इसको जो कि इसको आधार पे यहाँ पे संरक्षण पे इसको आधारित है। तो याद रखिए जो उनकी पुस्तक है जो कि बैक फ्रॉम द ब्रिंक जो आपके किसके संरक्षण पर पुस्तक इसको लॉन्च किया गया है, तो आपके राजकीय पशु वन भैंसा के उनके संरक्षण पर आधारित इस पुस्तक को लॉन्च किया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी ऑप्शन याद रखिएगा। तो यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पे देखेंगे, जो आपके एग्जाम पे बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थोड़ा फैक्ट्स यहाँ पे दिया गया उसको देखेंगे। तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे पर छत्तीसगढ़ को, यहाँ पे छत्तीसगढ़ को किया जाएगा सम्मानित, तो यहाँ पे बनारस में इसको सम्मानित किया जाएगा यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे पर छत्तीसगढ़ को बनारस में, इस पर इसलिए यहाँ पे यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज पे यहाँ पे छत्तीसगढ़ को सम्मानित किया जाएगा आपके बनारस में। और क्रोमियम और निकल ब्लॉक की नीलामी महासमुंद जिला के ब्लॉक केलवा डबरी और भालूकोना को यहाँ पे नीलामी में, इस जिला आपके आपके केलवा डबरी और भालूकोना, याद रखिए क्रोमियम और निकल ब्लॉक की नीलामी महासमुंद जिला के आपके केलवा डबरी और भालूकोना। वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन कब हुआ था, तो याद रखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 11 दिसंबर, स्पीड है आपके 130 किलोमीटर प्रति घंटा है इसके जो कि रफ्तार, याद रखिएगा। वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन 11 दिसंबर को किया गया है, ये आपके बिलासपुर से लेकर नागपुर तक चलेगी, लगभग 5-5.5 घंटे में आपको आपसे बिलासपुर से नागपुर आपको पहुँचा देगी, तो याद रखिएगा। मध्य भारत की सबसे बड़ी जैन दादाबाड़ी कहाँ स्थित है, तो आपके रायपुर में स्थित है, याद रखिएगा। मध्य भारत की सबसे बड़ी जैन दादाबाड़ी है जो कि आपके जिला रायपुर में स्थित है। बाकी जो क्वेश्चन हैं उसको हम कल कवर करेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगी इसलिए बाकी जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट उसको हम कल कवरेंगे, जो आपका आने वाला के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना है, तो बाकी क्वेश्चन को हम कल कवर करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही कवर क्वेश्चन को रखते हैं, लंबा हो जाएगी वीडियो इसलिए बाकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कल कवर करेंगे, जो आपके पीएससी व्यापम बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं तो इसके लिए भी बेस्ट होगा। और मैं डेली बेस पे आपके नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को भी मैं पढ़ाता हूँ, तो उसको भी देख लीजिएगा, ताकि सारे क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट कराता हूँ डेली बेस में। मैं करंट अफेयर्स भी पढ़ाता हूँ, आप 8 बजे क्लास अपलोड हो जाती है, तो उसको भी साथ में लेके चलिए, 7 से 8 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए, बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर कोई कुछ पूछना होगा तो कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा आपका।